तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक हम लोग के पास स्प्रिंग है, वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग है। आप स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ, यहाँ पे डेटा हम लिख लेते हैं। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के 100 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। और नेचुरल लेंथ तब होता है जब स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होती है, तो 0.5 मीटर है, ध्यान देना। इज फिक्स्ड अदर एंड कनेक्टेड टू ए पार्टिकल, एक मास अटैच है दूसरे एंड से जो भी 0.5 kg का ही है, ठीक है। तो लाइंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल, द स्प्रिंग रिमेन्स हॉरिजेंटल इफ द मास इज मेड टू रोटेट ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर मैं मास को ओमेगा से 2 रेडियन पर सेकेंड से घुमा देता हूँ, इतना ओमेगा दे देता हूँ, तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कितनी इलोंगेट होगी, ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो ये कहानी क्या है, यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल से यहाँ से एक सपोर्ट है, ये इस टाइप से एक सपोर्ट है, एक प्लेन है, और इससे एक स्प्रिंग इलोंगेट स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग अटैच है। और अगर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो एम मास का पार्टिकल इसके साथ ऐसे, एम मास का पार्टिकल जो है वो ऐसे कुछ यहाँ पे अटैच है, ब्लॉक एम मास का। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, नेचुरल लेंथ एल है, लेकिन अगर इसको अपनी इस एक्सिस पर, इस टेबल को ही ओमेगा से घुमा दिए इस एक्सिस पर, तो अगर मैं इसको ओमेगा से घुमा दूंगा तो ये जो पार्टिकल है वो इस वाली सर्कल में नहीं घूमेगा, जो पार्टिकल है वो सूडो फोर्स फील करेगा प्यारे बच्चों। तो उस सूडो फोर्स की वजह से यहाँ से मैं सूडो फोर्स फील करेगा, तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी, और जब स्प्रिंग खिंच जाएगी तो ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये नया सिचुएशन बन जाएगा, ठीक है। सूडो फोर्स इधर की डायरेक्शन फील करेगा और स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी, और न्यू लेंथ इसका, न्यू लेंथ, ठीक है, न्यू लेंथ हो जाएगा एल डैश, दैट इज इक्वल टू एल प्लस एक्स। एक्स क्या है, स्प्रिंग में इलोंगेशन। मान लेते हैं स्प्रिंग इतनी इलोंगेट हो चुकी है, तो कुछ ऐसे डॉट 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 ऐसे बड़े से सर्कल में, ऐसे सर्कल में ये ब्लॉक मूव करेगा जिसका सेंटर यहाँ ओ होगा, दिस इज द सेंटर। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब इस पे इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजेंटल है, तो सूडो फोर्स एम एल डैश ओमेगा स्क्वायर इधर फील कर रहा होगा और स्प्रिंग इसको इधर खींच रही होगी। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इधर इसको लगेगा सूडो फोर्स, सूडो सूडो फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंटर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स, दैट इज स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स। तो ये दोनों बैलेंस है, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग हॉरिजेंटल है और ये दोनों बैलेंस है, और ऐसे ओमेगा से घूम रहा है क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, तो एक फिक्स इलोंगेशन पे आके रुक जाएगा ऐसे। तो अब इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो, स्प्रिंग फोर्स के एक्स इज इक्वल टू एम एल डैश ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से एम एल डैश की वैल्यू एल प्लस एक्स आ जाएगी, दैट इज द ओमेगा स्क्वायर। हम लोग को एक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ से के एक्स पहले से जमा पड़ा था, तो के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इलोंगेशन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम एल ओमेगा स्क्वायर, डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों किससे भाई, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यूज, यहाँ सारी वैल्यूज पुट करोगे तो जो इलोंगेशन दिखेगा प्यारे बच्चों वो मुझे कुछ इतना दिखेगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, मास कितना दिया था बोलो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई एल कितना था, एल भी 0.5 मीटर था, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा कितना था, तो ओमेगा 2 रेडियन था, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी थी, तो के की वैल्यू यहाँ पे 100 दिया था, और माइनस मास 0.5 और अगेन ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो फाइनली जब एक कैलकुलेट कर लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.01 मीटर,
या 1 सेंटीमीटर का इलोंगेशन आ जाएगा। अगर ओमेगा से घुमाओगे इस ओमेगा से तो 1 सेंटीमीटर का इलोंगेशन आ जाएगा, और अगर ज़्यादा ओमेगा दोगे तो इलोंगेशन ज़्यादा होगा। तो होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखो।